बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आई एम उम्मे सोबान। मैं आपको दिल से इस उम्मे सोबान चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल पर ऑनलाइन इस्तखारा किया जाता है। अगर किसी पेरेंट्स ने बच्चों का नाम रखने के लिए इस्तखारा कराना हो कि ये नाम हमारे बच्चों के लिए कैसा रहेगा, तो वो इस्तखारा करा सकते हैं। और इसी तरह जो स्टूडेंट पेपरों के बाद फारग हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें अगली क्लासेस में या कौन सी फील्ड उनके लिए बेहतर रहेगी, इसके मतलब भी वो इस्तखारा करा सकते हैं। और इसके अलावा इसी चैनल पर तिब्बी और रूहानी इलाज और बेहतरीन वज़ाइफ पेश किए जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आसानी से आपको मिल सके। तो मैं आज आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चटनी शेयर करने वाली हूँ। इसके बहुत ही बेनिफिट हैं और ये हार्ट पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए नहायत ही मुफीद हैं। और इसी तरह जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, मसल्स प्रॉब्लम में भी ये बहुत ही फ़ायदा रखती हैं। और इसके साथ साथ ये जो मैदे का निज़ाम है इसको भी तकवी देती है। मैदे की जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए ये नहायत ही मुफीद है। और इसके साथ साथ ये मेंस वीकनेस के लिए भी नहायत ही अपने अंदर बेनिफिट पाए हुए हैं। मेल हजरात कि जो तमाम पोशीदा बीमारियां हैं इससे में भी नहायत ही ये फ़ायदेमंद है। और ये चटनी बनाने का जो तरीका है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये चटनी आपने कैसी बनानी है। ये नहायत ही इजी है। आपने सबसे पहले जो आलू बुखारा है इससे पानी में डिप कर देना है। और इसके बाद अदरक, लहसुन, प्याज, अनारदाना, पुदीना, ग्रीन चिली और नमक, ये तमाम चीज़ें आपने बारीक पीस लेनी हैं। और एंड में जो आपने आलू बुखारा भगोया था इसके सीध निकाल लेनी है और ये भी आपने इसमें शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और ये आपने चटनी खाने के साथ खानी है। इसका आपको नहायत ही फ़ायदा होगा। आप खाने के साथ सालन खाना तो भूल जाइए लेकिन इस चटनी को मत मिस कीजिएगा, ये आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ आपने सूरह शफा, प्यारी बहनों जानती हैं कि सूरह शफा कौन सी है? सूरह फातिहा को आपने रोज़ाना 3 बार पढ़ना है और पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेना है। और ये चटनी भी आपने इसके साथ खानी है। और ये आपने 3 मंथ या 4 मंथ रेगुलरली यूज़ करनी है। आपको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा। आप ज़रूर आजमाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितना फ़ायदा हुआ आपको। और लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपके शेयर करने से किसी को फ़ायदा हो सकता है। और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।